लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन जो भी लीनियर इनइक्वालिटीज हैं उनको हमने सीखा था किस तरीके से ग्राफ करना है। अब इंशाल्लाह हम सीखेंगे इस लेक्चर में कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को किस तरीके से ग्राफ करना होता है। अब अगेन बच्चों वही कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है वो दो वेरिएबल के अंदर भी आ सकती है, एक वेरिएबल के अंदर भी आ सकती है। जब भी आप किसी एक वेरिएबल के अंदर इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट में ये आएगा एक्स इज ग्रेटर देन जीरो या एक्स इज लेस देन, ये रिजल्ट आएगा। तो उसको ड्रॉ करने के वही तरीके जो मैंने बताया था, इसको आप नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हो, या आपको बोला जाए अगर आपने वो कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना है तो आप वही फॉर एग्जांपल आ जाए एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो उसका मतलब एक वर्टिकल लाइन बनेगी, वर्टिकल लाइन के राइट वाला पूरा रीजन जो है वो आप शेड कर दोगे ग्रेटर वाला अगर आ जाए। इसी तरह अगर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस वन तो माइनस वन पे डॉट बनाना, माइनस वन पे सॉलिड लाइन बनेगी और उसके लेफ्ट वाला रीजन आप शेड कर दोगे। दो वेरिएबल के अंदर जब आपके पास इनइक्वालिटी आती है और वो क्वाड्रेटिक है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखो एक तो होता है कि आइडिया आपको लगाना है बस यार इस तरह क्वाड्रेटिक बन रहा होगा इसके नीचे अपर वाला रीजन शेड है। एक ये होता है कि आप प्रॉपर क्वाड्रेटिक को ड्रॉ करो और फिर शेड करो। अगर आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन को ड्रॉ करना हो ना तो उसके लिए तीन चार बातें आपको चाहिए होती है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है उसका, वाई इंटरसेप्ट क्या है उसका, सबसे मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट क्या है, बस ये तीन चार पॉइंट आपको पता होने चाहिए, आप आसानी से क्वाड्रेटिक को ड्रॉ कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे देखो आपका क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। सबसे पहली बात एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है यहाँ पे, इसका मतलब इसकी शेप अपवर्ड होगी, ये तो आपको पता चल गया। अब आप इसको जरा सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करने का मतलब कि आप मिडिल टर्म ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 माइनस 4 को 3 से करो, हाँ एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैक्स कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4, यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं अगेन x माइनस 4, ये हो जाएगा x माइनस 4 x प्लस 3। जब आपने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया ना तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसके इंटरसेप्ट क्या होंगे, एक इंटरसेप्ट होगा 4 पे, एक इंटरसेप्ट होगा माइनस 3 पे। तो मेन बात तो आपको पता चल गई यहाँ पे कि 4 कंसिडर कर लो ये 4 है और माइनस 3 कंसिडर कर लो ये माइनस 3 है, तो ये दो तो आपको पता चल गए, मतलब आपका ग्राफ यहां से पास कर रहा होगा। अब दूसरी बात आप ये मालूम करो कि आपका ग्राफ का सबसे मिनिमम पॉइंट क्या होगा। जब शेप इस टाइप की होती है तो आप मिनिमम निकालते हो ना, और जब शेप इस तरीके की होगी तो आप मैक्सिमम निकालोगे, और निकालने का प्रोसेस सब में सेम होता है कि जब आपने इंटरसेप्ट निकाल लिया ना तो जो मिनिमम पॉइंट होगा वो इनके दरमियान लाई कर रहा होगा। तो आप मिड पॉइंट निकाल लो, 4 और माइनस 3 का मिड पॉइंट क्या होगा, मतलब 4 माइनस 3 होता है 1, 1 अपॉन 2, मतलब हाफ पे यहाँ पे होगा, हाफ क्या है कंसीडर कर लो ये हाफ है, क्योंकि नीचे आपका यहाँ पे कहीं मिनिमम पॉइंट होगा तब आपका क्वाड्रेटिक इस तरह जा रहा होगा। अब वो आपको नहीं पता नीचे कहाँ पे आ रहा है, आपको तो जस्ट एक्स वैल्यू पता है ना कि एक्स वैल्यू होगी 1/2, जो मिनिमम पॉइंट है उसकी एक्स वैल्यू 1/2 होगी। वाई वैल्यू निकालना जो बड़ी बात नहीं है, आप फंक्शन में अंदर पुट कर दो, जगह 1/4 माइनस 1/2 माइनस 12, तो सॉल्व करो 1 माइनस 2 और ये हो जाएगा ला भला करे 48, 12 फोर 48 होता है ना, हाँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस 49 अपॉन 4। माइनस 49 अपॉन 4 का मतलब क्या होगा, ऑलमोस्ट माइनस 12.25 आई गेस, माइनस 12.25 है, तो कंसीडर कर लो माइनस 12.25 यहाँ पे के नीचे, तो एक्स वैल्यू कंसीडर कर लो 0.5 मतलब 1/2 यहाँ पे और माइनस 12.5 कंसीडर कर लो यहाँ पे, तो ये आपका मिनिमम पॉइंट होगा बिल्कुल, ठीक है। किस तरह आपने निकाला, जो एक्स इंटरसेप्ट है उसका मिड पॉइंट निकाला और वो जो एक्स वैल्यू आई है उसको पुट किया फंक्शन के अंदर, आपको वाई वैल्यू मिल गई, वाई वैल्यू कंसीडर कर लो यहाँ पे, तो ये एक्स वैल्यू ये वाई वैल्यू, इसका मतलब जो मिनिमम क्वाड्रेटिक जो पैराबोला बनाओगे ना उसका मिनिमम पॉइंट ये वाला होगा, तो ये आपने निकाल लिया। उसके बाद नॉर्मली हम वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट बहुत करीब होगा, तो वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे माइनस 12 आ रहा है ना, तो ये 12 माइनस 12.5 है, 12 बिल्कुल इसके ऊपर होगा, कंसीडर कर लो यहाँ पे 12 है, तो उसका वाई इंटरसेप्ट बहुत करीब है, तो हमें ऐसे इशू नहीं होगा। तो अब हमें इस पैराबोला के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया, अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहो तो आप आसानी से कर सकते हो, इस टाइप की एक शेप बन रही होगी पूरी, ये इसका मिनिमम पॉइंट होगा, जा रहा होगा डायग्राम थोड़ी खराब हो गई तो हम पॉइंट को यहाँ पे लगा लेते हैं। इस तरीके से आप किसी भी पैराबोला को ड्रॉ कर रहे होते हो। वंस आपके पास पैराबोला आ गया ना, नॉर्मली इतना ख्याल ही रखा जाता, खासतौर पर इनइक्वालिटी को जब आप सॉल्व कर रहे होते हो तो बस आपसे ही डिमांड किया जाता है कि एक्स इंटरसेप्ट आपको बताओ, ये दो पता है ना आपको, तो फिर आप एक रैंडमली खुद बना देते हो, या आपसे डिमांड कर लेंगे कि वर्टेक्स क्या है इसका, वर्टेक्स हो गया
इसको वर्टेक्स ही कहते हैं ना, हाँ वर्टेक्स हो गया और ये दो एक्स इंटरसेप्ट हो गए। ये एटलीस्ट तीन पॉइंट अगर आपको पता है ना तो मेन मेन आपको शेप पता चल जाती है किस तरीके से आपने बनाना है। मजीद अगर आपको मालूम करना है तो वाई इंटरसेप्ट भी मालूम कर लो, फिर कुछ केसेस में एक और पॉइंट मैं बताऊंगा वो मालूम कर लो, तो मजीद आपको बेहतर आइडिया जाता है कि किस तरीके से शेप बन रही है, कहाँ पे क्रॉस हो रहा है हर चीज। बहरहाल ये आपका फंक्शन बन गया। अब आपको बोला था कि वो वाई वैल्यूज लेस देन हो। अब लेस देन को आपको बोला जाए ना तो आप इस पूरे पैराबोला के नीचे वाला रीजन जो है वो आप शेड कर देते हो। अगर ग्रेटर का बोला जाता तो इसके ऊपर जो रीजन था वो मैं शेड कर देता। तो अभी लेस देन का बोला गया, इसका मतलब ये सारा रीजन जो है जो इसके नीचे आ रहा है ये सब शेड हो जाएगा। आप इस पूरे रीजन में कोई भी पॉइंट उठाओ, उसकी वाई वैल्यू जो है वो पुट करो और उसकी एक्स वैल्यू पुट करो, आप देखोगे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। हम पुट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट जो था ये फोर था, तो हम एक काम करते हैं हम फाइव लेते हैं, नहीं यहां पे कंसीडर कर लो ये पॉइंट जो है ये ऑलमोस्ट एट है और मैं नीचे चला जाता हूँ और ये पॉइंट ट्वेल्व था तकरीबन यहाँ पे होगा। तो अगर इस पॉइंट को देखो इसकी एक्स वैल्यू एट है, वाई वैल्यू ट्वेल्व है, आप पुट करके देख लो सेटिस्फाई कर रहा होगा। यहाँ पे वाई वैल्यू पुट करो ट्वेल्व है, इज लेस देन, यहाँ पे एक्स पुट करो एक्स एट है इसका, एट माइनस फोर क्या होता है फोर, एट प्लस थ्री क्या होता है इलेवन, एट प्लस थ्री हाँ इलेवन, तो इसको मल्टीप्लाई करो ये 44 हो जाएगा। तो आपको ये बात पता है 12 इज डेफिनेटली लेस देन 44, इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे सॉल्यूशन है। अच्छा एक तो आप इस तरह भी देख सकते हो ना कि y इज लेस देन, तो ग्राफ के नीचे आप इसको कर लो शेड। एक और दूसरा तरीका वही स्ट्रेट लाइन के अंदर था कि आप ओरिजिन पुट करके देख लो, ओरिजिन क्या इसके सॉल्यूशन में आ रहा है। अगर आप यहाँ पे जीरो पुट करो, यहाँ पे जीरो पुट करो माइनस फोर, यहाँ पे थ्री होगा, तो माइनस फोर को थ्री से करो माइनस ट्वेल्व, जीरो इज नॉट लेस देन माइनस ट्वेल्व, इसका मतलब ओरिजिन इसके सॉल्यूशन में नहीं आ रहा। अगर ओरिजिन इसके सॉल्यूशन में आ रहा होता तो मैं ये वाला रीजन शेड करता, अगर ओरिजिन सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो मैं नीचे वाला शेड कर रहा हूं। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पे शेड कर सकते हो। ये जो पूरा शेडेड रीजन है ये पूरा जो होगा ये नीचे नीचे तक जा रहा है सारा, इतना रीजन है सारा। इसमें आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर पिक कर लो, हमेशा आपकी ये वाली जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई हो रही होगी। तो लिस्ट बना के ऑर्डर्ड पेयर को लिखना पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट है। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, जैसे आप एक वेरिएबल में आप इंटरवल लिखते थे ना, तो दो वेरिएबल में जब आए तो आप ग्राफ के जरिए से बता सकते हो कि यार ये जो पूरा रीजन है इसके अंदर कोई भी आप उठा लो वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, अब जरा हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, ये वाली चीज बता देता हूं। अच्छा जी, अब आपके पास है, अगर आपके पास आ जाए वाई इज ग्रेटर देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अब अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पर तो जो आपका एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशियंट है वो यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब ये कि जो आपका ग्राफ है ना अब वो डाउनवर्ड शेप का होगा, इस टाइप का बन रहा होगा यूं करके। एक तो ये बात आपने ऑब्जर्व की। अब जरा हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं इसमें एक्स इंटरसेप्ट क्या आ रहा है। एक्स इंटरसेप्ट निकालने का एक तो तरीका ये है ना कि आप इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाओ, फिर वाई की जगह जीरो पुट करो और फिर एक्स इंटरसेप्ट निकालो। एक आपको सिंपल तरीका पता है कि जब आपने फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे जीरो आ रहे हैं, तो ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक हम अच्छी उसी वक्त करते हैं जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो आसानी के लिए। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, अब आप जरा इसको सॉल्व करो, फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री, फिर होगा एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस थ्री, वन कॉमन लिया एक्स माइनस थ्री। अच्छा जी, तो एक फैक्टर बच्चों यहां पे बनेगा एक्स माइनस थ्री, एक बनेगा एक्स प्लस वन। अब आपको यहाँ पे y की जगह जीरो पुट करके एसोसिएटेड इक्वेशन मालूम करके फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या इंटरसेप्ट आ रहे होंगे एक्स इंटरसेप्ट, आप देख के बता सकते हैं थ्री पे आ रहा होगा एक माइनस वन पे आ रहा होगा। तो अब आगे ग्राफिंग पे, तो सबसे पहले आप ड्रॉ करो थ्री, थ्री के यहाँ पे होगा और माइनस वन को हम भी यहाँ पे बना देते हैं, इसका मतलब आपका ग्राफ इस टाइप का होगा यू करके, क्योंकि डाउनवर्ड शेप है ना तो इस टाइप का यू पास कर रहा होगा। तो अब आपको निकालना है वर्टेक्स का, अगर आप इतना भी बना लो ना तो काफी इनइक्वालिटीज के लिए सही है, लेकिन आपको एक्यूरेट अगर मालूम करना है, क्योंकि अगर आप रफ डायग्राम बनाओगे तो फिर आपको नहीं पता चलेगा ना कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पॉइंट पिक किया था क्योंकि मुझे पता था कि शेप इतनी नीचे आ रही है, अगर आपने वर्टेक्स नहीं से ड्रॉ किया हो तो आपको नहीं पता ना कितना नीचे आ रहा है कहां से ऊपर जा रहा है, तो मिनिमम वर्टेक्स भी आपको पता होना चाहिए वरना डायग्राम आपकी एक्यूरेट नहीं होनी होती। ये तीन पॉइंट तो मिनिमम पता होना चाहिए। तो वर्टेक्स कहां पे होगा मैंने बताया, मिड पॉइंट निकालो थ्री और माइनस वन का मिड पॉइंट निकालो क्या आएगा टू, तो उसका मतलब वर्टेक्स यहाँ पे टू पे होगा बिल्कुल मिड पे, तो टू के यहाँ पे है ये आपका टू हो गया। ठीक है, नहीं टू नहीं वन, सॉरी
मैं भी तो कह रहा हूँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ, वन पे होगा कहीं यहाँ पे, ठीक है ये आपका मिड पॉइंट है। अब आपको पता है कि यहाँ पे पॉइंट होगा, उसकी वाई वैल्यू आपको नहीं पता, एक्स वैल्यू आपको पता है, जो वर्टेक्स है उसकी एक्स वैल्यू वन आ रही है, तो आप पुट कर दो फंक्शन के अंदर। यहाँ पे जब मैं वन पुट करूंगा, यहाँ पे वन पुट करो प्लस थ्री, तो ये हो रहा है फोर, इसका मतलब वाई वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, फोर आ रही है। अगर आप इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाओगे ना तब की बात करो, मतलब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये होगी, ठीक है, तो आप वन यहाँ पे पुट करो तो वाई की वैल्यू क्या आ रही होगी, फोर आ रही होगी, तो ये वन है और फोर भी यहाँ पे होगा, ये आपका वर्टेक्स आ गया। जब आपको दो एक्स इंटरसेप्ट मिल जाए और आपको वर्टेक्स मिल जाए और आपको बताओ शेप किस टाइप की है, तो आप आसानी से बना सकते हो, ऐसे जितना मसला नहीं होता, तो आपको पता है आपने इस तरीके से जाना है, यूं करके बनाना है, तो ये शेप बन गई आपके क्वाड्रेटिक फंक्शन की। अब देखो वाई इज ग्रेटर देन ना, अगर आप इस रीजन को देखो वाई इज ग्रेटर देन आ रहे, तो जब भी अच्छा इस माइनस की आप टेंशन ही नहीं, इस माइनस से आपने घबराया नहीं कि इस माइनस के साथ क्या करना है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस माइनस को काउंटर कर लिया आपने, ये डाउनवर्ड शेप जो बनाई है इस माइनस की वजह से बनाई है ना, तो इससे घबराना नहीं है आपने, ग्रेटर वाली आ रही है तो आपने ऊपर वाला शेड करना है, या मजीद अगर आपने तसल्ली करनी है तो आप ओरिजिन पुट करके देख लो, ओरिजिन इन साइड आ रहा है ना, तो अगर ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो अंदर वाला रीजन, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो बाहर वाला रीजन, जरा पुट करके देख लो, वाई वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करो, यहाँ पे माइनस थ्री है, ये वन है, तो माइनस थ्री को वन से करो माइनस थ्री, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो जीरो थ्री से ग्रेटर कैसे हो सकता है, इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है, जो बाहर वाला रीजन है उसको आपने शेड कर देना है, इस रीजन में कोई भी ऑर्डर पेयर आ रहा होगा वो इसको इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो फिर वो माइनस वाई हो जाएगा, मतलब अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना इसको तो पॉजिटिव कर दोगे, इसको नेगेटिव कर दोगे, तो फिर ग्राफिंग आपकी सही नहीं होगी, आपकी इक्वेशन में लेफ्ट पे वाई होना चाहिए, राइट पे माइनस आ रहा है घबराने की जरूरत नहीं है, उस माइनस का इफेक्ट यहाँ पे हो गया ना, तो दैट्स इट, आपने उस माइनस को काउंट कर लिए, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हीं मेथड को फॉलो करके आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब आखिरी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसमें बताऊंगा कि तीसरे पॉइंट की भी अहमियत है, तीसरा हम बताएंगे किस तरह निकालना है। अच्छा जी एग्जांपल है यहाँ पे y इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स, ये जानबूझ के मैंने एग्जांपल लिखी है, अगर आप इसको देखो तो अगर आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक करोगे नहीं आएगी, आप अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स का डिस्क्रिमिनेंट निकालो ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा होगा, इसका मतलब लेस देन जीरो आ रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे रूट्स इमेजिनरी है, इसका क्या मतलब है, ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब इसके इसमें आपके पास एक्स इंटरसेप्ट ही नहीं है, जब आपके पास एक्स इंटरसेप्ट नहीं है तो आपके लिए सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाता है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, ये जो हमने वर्टेक्स निकाला ना जिस तरीके से, इसका अच्छा तरीका ये क्या, फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि यहाँ पे जब आपके पास एक्स इंटरसेप्ट नहीं है तो वर्टेक्स कैसे निकालोगे, मसला हो सकता है ना, तो जब एक्स इंटरसेप्ट होते हैं तो आप मिड निकाल लेते हो, मसला नहीं होता, लेकिन जब एक्स इंटरसेप्ट नहीं है तो मसला होगा, तो आप फॉर्मूला याद रख लो कि जो वर्टेक्स है ना वो हमेशा इस पे होता है माइनस बी अपॉन टू ए पे, और b मतलब x का कोफिशियंट, a मतलब x स्क्वायर का कोफिशियंट, अगर आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लिखो ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये वो b और a वहां से आए हैं, तो आप जस्ट इसको कैलकुलेट कर लो आपको पता चल जाएगा वर्टेक्स कहां पे, जैसे इस वाले केस में b यहां पे 2 था और a यहां पे माइनस 1 था, तो वर्टेक्स देखो आपको 1 के ऊपर आ रहा था, इसी तरह यहां पे अगर आप देखो तो b आपका माइनस 1 था और ये आपका 1 था, तो यहाँ पे वर्टेक्स आपका अगेन 1 पे आ रहा था, तो कहने का मतलब ये कि ये फॉर्मूला आपको नहीं, वर्टेक्स 1 पे नहीं आ रहा था यहाँ पे, सॉरी ए यहाँ पे जब आप पुट करोगे ना 1, तो 2 1 से 2 होता है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 पे आपका वर्टेक्स आ रहा था यहाँ पे, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके भी वर्टेक्स निकाल सकते हो, जो कि आप यहाँ पे ही करोगे। तो सबसे पहले मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, बेशक आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर लो, यहाँ पे रूट्स जो है मतलब इमेजिनरी आएंगे, वैल्यूज जो है वो इमेजिनरी आ रही है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा मतलब इस तरीके से बन रहा होगा, या ये बिल्कुल नीचे होगा, अगर आप एक्स स्क्वायर को देखो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है, आपका ग्राफ इसी टाइप का होगा। अब जब आपने फिगर आउट कर लिया कि आपका ग्राफ इस टाइप का होगा तो पॉइंट चाहिए आपको, तो एक तो पॉइंट हम वर्टेक्स ले लेंगे, दूसरा हमें वाई इंटरसेप्ट भी चाहिए कि ग्राफ ये वाई को कहां पर क्रॉस कर रहा है, किस पॉइंट पे वाई को क्रॉस कर रहा है, तो दूसरा पॉइंट हम वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, और तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कौन सा वाला निकालना है, पहले दो पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, बी यहाँ पे 3 है, a यहाँ पे 1 है, तो माइनस 3 अपॉन 2,
इसका मतलब जो इसका वर्टेक्स है उसकी एक्स वैल्यू -3/2 है। आप पुट कर लो, जब यहाँ पे पुट करोगे तो -3/2 का स्क्वायर होगा 9/4, यहाँ पे पुट करो तो -9/2 + 6। तो सॉल्व करते हैं बच्चों, 9 - 18 + 24, तो ये हो जाएगा 6, 6 + 9 होता है 15/4। 15/4 इज लाइक 3.75 और -3/2 क्या होता है -1.5। तो कहने का मतलब वर्टेक्स होगा -1.5, 3.75 पे, ये आपको वर्टेक्स मिल गया। अब वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हो, एक्स को जीरो पुट कर दो, तो एक्स को जीरो पुट करो खत्म हो जाएगा y = 6, ये आपको वाई इंटरसेप्ट आ गया। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अभी तक जो आपने चीजें निकाली हैं उसके मुताबिक सर हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वर्टेक्स है -1.5, कंसीडर कर लो -1.5 यहाँ पे कहीं, और y वैल्यू है 3.75, मतलब तकरीबन डबल है x इंटरसेप्ट के। तो अंदाजन मैं तकरीबन यहाँ पे बना रहा हूँ, ये y वैल्यू है 3.75, तो वर्टेक्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है -1.5, 3.75, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स तो आपके पास आ गया, शेप इसकी अपवर्ड ही है ये आपको पता है क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। दूसरी चीज वाई इंटरसेप्ट निकाला था, वाई इंटरसेप्ट है 0.6 के ऊपर, ये तकरीबन 3.75 था, 6 तकरीबन यहाँ पे होगा। इसका मतलब आपका ग्राफ इस तरह जा रहा होगा यू करके। लेकिन अब सवाल है कि मैं इधर किस तरह बनाऊ, इधर इस रीजन में कोई पॉइंट नहीं है, मैंने इस रीजन में देख लिया मेरा ग्राफ इस तरह जा रहा है ऊपर, ये पूरा चला जाएगा। इस रीजन में कैसे जाएगा, एक तो मैं अंदाजे से बना लू, दूसरा मैं कैलकुलेट कर लू पॉइंट, वो पॉइंट कैसे कैलकुलेट करूंगा, वो ये कि बिल्कुल अगर आपको ऑब्जर्व करो पैराबोला में ना एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस तरह जा रहा होता है वर्टेक्स से, अगर आप बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन बना दो इस तरीके की, इस तरफ और इस तरफ नजर आ रहा है आपको सिमेट्री है, इसी तरह आप वर्टेक्स से एक पैरल लाइन बना दो पैरल टू वाई एक्सिस, तो आपको मिल जाएगा अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है पूरी। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगाओ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां पे कहां पे होगा, यहां पे होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो यहां पे पॉइंट है ना, सेम ही इधर एक पॉइंट होगा जिसकी y वैल्यू सेम होगी। अगर आप ऑब्जर्व करो जो क्वाड्रेटिक होता है ना उसके अंदर जब दो x वैल्यू पुट करते हो सेम y वैल्यू मिलती है। जैसे आप सिंपल से एग्जांपल है y = x², मैं इसके अंदर x की जगह 2 पुट करूंगा तब भी 4 मिलेगा, मैं -2 पुट करूंगा तब भी 4 मिलेगा। इसका मतलब यहां पे जो x वैल्यू 0 है सेम किसी और x वैल्यू, मतलब यहां पे हाइट आपको मिल रही थी 6, तो सेम यहां पे भी एक पॉइंट होगा जिस पे हाइट आपको मिल रही होगी 6, तो उस पॉइंट को मालूम कर लेते हैं। उस पॉइंट को कैसे मालूम करोगे आप, कि जितना इस पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस है उतना ही इस पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस होगा, क्योंकि सिमेट्री होनी चाहिए बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि मैं छोटी सी कॉन्सेप्ट समझा दूं आपको, अगर आप एक ग्राफ को ड्रॉ करो ना, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ होता है y = x², ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है x = 0, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है y = x²। तो यहां पे एक पॉइंट होता है जिसकी x वैल्यू 2 होती है, y वैल्यू उसकी 4 होती है। सेम यहां पे वो पॉइंट होता है -2 जिसकी y वैल्यू 4 आ रही होती है, मतलब सेम y वैल्यू। तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये वाला पॉइंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री से अगर 2 यूनिट दूर है, तो ये वाला पॉइंट भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री से क्या होगा, 2 यूनिट दूर। जो जिन दो पॉइंट की y वैल्यू सेम है वो दोनों पॉइंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री से सेम डिस्टेंस के ऊपर होंगे, इन दोनों की y वैल्यू 4 है तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस y एक्सिस से मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री से सेम होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसकी y वैल्यू 6 है तो यहां पे भी एक पॉइंट होगा जिसकी y वैल्यू 6 होगी। तो आप x वैल्यू निकालो किस x वैल्यू पे आ रहा है, एक तो तरीका है कि y की जगह आप 6 पुट करके सॉल्व करो, उस तरह भी आप कर सकते हो, वहां पे भी इस वाली सिचुएशन में तो काफी इजी आ रहा है, देखने में मुझे लग रहा है -3 होगा। लेकिन आप सिंपल पुट करने की क्या जरूरत है, आप बेसिक सी मैथ करो। बेसिक मैथ क्या है कि यहां पे x वैल्यू क्या है 0, यहां पे x वैल्यू क्या है -1.5, मतलब डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 1.5 का डिस्टेंस है, तो इनके दरमियान अगर 1.5 का है तो इनके दरमियान भी क्या होगा 1.5 का डिस्टेंस, तो 1.5 का होगा ना, अगर इसके दरमियान 1.5 तो इधर भी डिस्टेंस 1.5 होगा, तो इसमें x वैल्यू है -1.5। आप अगर मजीद 1.5 यहां पे आओगे तो ये -3 हो जाएगा। तो आपने इस तरह मालूम कर लिया यहां पे एक पॉइंट है -3, वो भी यहां पे होगा जिसकी सेम y वैल्यू है, तकरीबन यहां पे आ रहा होगा। असल में डायग्राम जो है ना वो इतनी अच्छी बनी नहीं है, -1.5 के बाद मैंने काफी करीब कर दी इसको, यहां पे हम करते हैं। अगर आप थोड़ी सही डायग्राम बनाओगे तो आपको सब चीजें
बिल्कुल सेम नजर आएंगी। तो जितना इसका डिस्टेंस था ना 1.5 का, उतना ही मैंने तकरीबन इसका डिस्टेंस रखा है। डायग्राम में थोड़ा लग नहीं रहा, लेकिन हम इस तरह बन जाते हैं क्योंकि नीचे चीज जो है मैंने काफी पीछे बनाई है। तो कहने का मतलब यह है कि 1.5 का डिस्टेंस था, सेम 1.5 का डिस्टेंस है, लेकिन वायर वैल्यू दोनों के 6 आ रही है। तो इस तरह ये आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। अगर आप इसके कोऑर्डिनेट देखो तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -3.6, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे? 0.6। वायर वैल्यू दोनों के सेम है, फर्क क्या है? 0 से लेके 1.-1.5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री तक का डिस्टेंस 1.5 था। इसी तरह -1.5 से लेके -3 तक डिस्टेंस क्या? 1.5। इस तरह मालूम करोगे। अब आपको दूसरा पॉइंट मिल गया तो आसानी से इसको ड्रॉ कर दोगे। मजीद एक्यूरेट बनाने के लिए आपको और भी पॉइंट चाहिए, लेकिन रफ आइडिया आपको तकरीबन मिल गया कि इस टाइप की एक शेप बन रही होगी। तो कभी कभी आपके एक्स इंटरसेप्ट नहीं आ रहे होते, तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं कि यार आपको वर्टेक्स बताओ, क्योंकि ये जरूरी होगा। वर्टेक्स, वाई इंटरसेप्ट और ये वाला पॉइंट, ये तो जरूरी होगा। चाहे पैराबोला ऊपर बने, चाहे नीचे बने, चाहे एक्स को क्रॉस करे ना करे, ये 3 पॉइंट तो लाजमी होते हैं। ऐसा तो कोई पैराबोला नहीं है जो वाई को क्रॉस ना करे, ठीक है? हो सकता है जिसमें आपको ये कॉन्स्टेंट नजर ना आ रहा उसका वाई इंटरसेप्ट 0 होता है, लेकिन ज्यादातर आप ये देखोगे कि लेकिन फिर वो पैराबोला जो है वो पास कर रहा होगा, क्या कहते हैं, ओरिजिन से पास कर रहा होगा आई गेस। हाँ, फिर वो अलग केस बन जाएगा। तो आपने क्या करना है कि इन 3 पॉइंट को यूज करना है जिन सवालों में मुश्किलात आपके पास। जैसे ये तो इजी है ना, कर सकते हो, इसमें मुश्किल आ जाएगी, 3 पॉइंट को यूज करोगे और ड्रॉ कर लोगे। अब आपका सवाल क्या था कि लेस वाला रीजन चाहिए, तो लेस वाला ये सारा रीजन है, ये सारा रीजन जो है ये सॉल्यूशन का आपका, इसके जरा कोई पॉइंट पुट कर लो। अगेन वो ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हो, ओरिजिन आपको पता है, देख लेते हैं क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 6 आएगा, तो 0 इज लेस देन 6, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब ओरिजिन इसके सॉल्यूशन में शामिल है और ओरिजिन ग्राफ के नीचे आ रहा है, तो आपने ये वाला ओरिजिन बना दिया, ठीक है? अगर ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता तो जो पैराबोला के अंदर अगर किसी चीज को आपने चेंज करना है ना, तो आप इस तरह भी कर सकते हो, उसको ग्रेटर कर लो। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये मैं ब्लू से बना रहा हूं, इसका सॉल्यूशन ये सब हो जाएगा, ये पूरा ऊपर सारा सॉल्यूशन होगा इसका। अगर यहां पे आता y is greater than, greater का मतलब आपने जो ऊपर है ना उसको रीजन को शेड करना है, तो जो पैराबोला के बिल्कुल अंदर जो रीजन आ रहा है ना सारा, ये पूरा शेड होगा, ठीक है? यहां पे आप कोई भी ऑर्डर कर लो, उसका जो y वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर होगी इस पूरी राइट हैंड साइड से। तो बच्चों इस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को ड्रॉ कर रहे होते हो। कुछ आपके पास ऐसी भी आ सकती है जो रैशनल इनइक्वालिटीज हो या एब्सोल्यूट वाली हो, मैं आइडिया थोड़ा बहुत दे देता हूँ, डिटेल में तो मैं नहीं जा रहा। अगेन एक वेरिएबल के अंदर होती हैं, दो वेरिएबल के अंदर होती हैं, जब दो वेरिएबल के अंदर होती हैं तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ रहे होते हैं। रैशनल को थोड़ा ड्रॉ करना काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन हम बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये चीज देखी गए, वाई इज ग्रेटर देन, इजी लेते हैं एक्स प्लस टू और एक्स माइनस वन, इजी हमने पिक किया, ठीक है? तो आपको डेफिनेटली ऑर्डर पेयर चाहिए। अब इसकी शेप किस टाइप की होगी आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना, मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको निकालने होते हैं एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट कैसे निकलता है, जब आप डिनोमिनेटर को 0 रखते हो, मतलब एसिम्प्टोट x इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, कंसीडर कर लो ये 1 है, तो ये एक आपको एसिम्प्टोट मिल गया। मैं डॉटेड कर देता हूं इसको, ठीक है? ये आपको एक वर्टिकल एसिम्प्टोट मिल गया। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होगा, बिल्कुल होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, नीचे भी लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा y इज इक्वल टू 1 के ऊपर, मतलब यहाँ पे कंसीडर कर लो, तो आपको इस तरह हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मिल रहा होगा, ठीक है? अब आपका ग्राफ कैसे होगा, आपका ग्राफ तकरीबन शेप आपको पता चल गई होगी, इस टाइप का ग्राफ होगा इसी तरह। अच्छा, अगर आप इंटरसेप्ट निकालना चाह रहे हो तो आप निकाल सकते हो। इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, y की जगह 0 पुट करो, या सिंपल x प्लस 2 को 0 के बराबर रखो। x प्लस 2 को जब 0 के बराबर रखोगे तो माइनस 2 आएगा, इसका मतलब आपका जो इंटरसेप्ट है वो माइनस 2 है, माइनस 2 तकरीबन यहाँ पे होगा। इसी तरह अगर आप चाहो तो y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो, y इंटरसेप्ट का मतलब आप x को 0 पुट करोगे, तो ये 0 0 2 अपॉन माइनस 1 मतलब माइनस 2, माइनस 2 तकरीबन यहाँ आ रहा होगा, तो आपका ग्राफ जो है वो तकरीबन इस तरह होगा। इस टाइप का बन रहा होगा, तो एक पीस इस तरह है, एक पीस इसका इस तरह जा रही है, तो ना x और y किसी को भी क्रॉस नहीं कर रहा। अब बिलफर्ज अगर आपके पास इनइक्वालिटी आए कि y इज ग्रेटर, मतलब आपको अगर ग्रेटर वाला रीजन शेड करना है, तो ग्रेटर वाला रीजन शेड किस तरह करोगे आप, ये वाला पूरा रीजन, मतलब इस वाले 30 से ऊपर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, जितने भी ऊपर ऑर्डर्ड पेयर होंगे, क्योंकि दोनों जगह से यूं चल रहा है ना, तो अब इसके दरमियान जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे होंगे वो सारे इसके सॉल्यूशन होंगे,
इसी तरह अगर आप देखो तो ये पूरा शेप है ना, अच्छा एसिम्प्टोट जो वर्टिकल एसिम्प्टोट है ना उसको आप कंसीडर नहीं करते, उसको आप मतलब साथ साथ ही रीजन उसके होते हैं। तो ये जो पूरा है इससे ऊपर रीजन शेड करना ना, वाइस ग्रेटर है तो इससे ऊपर रीजन क्या होगा, ये पूरा रीजन होगा, ये पूरा रीजन इससे ऊपर है। इसी तरह ये वाला पूरा रीजन, ये वाला पूरा रीजन आ जाएगा, मतलब जो भी इससे ऊपर ऊपर वाला रीजन है तो ये वाला पूरा रीजन आ जाएगा और ये वाला पूरा रीजन आ जाएगा। ये दरम्यान में जो वर्टिकल एसिम्प्टोट है ये अपनी जगह पे रहेगा, ये लाइन इस तरह आपकी आती रहेगी और ये इस तरह बढ़ेगा, मतलब इस तरीके से और इस तरीके से, तो ये पूरा रीजन आपका सॉल्यूशन होगा। इसी तरह ये इस तरफ होगा, ये नीचे होगा, तो ये थोड़ा रीजन और ये जो पूरा रीजन यहाँ पे आ रहा होगा एसिम्प्टोट्स के इधर और ग्राफ से ऊपर। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को ग्राफिंग करते हुए आपने इतनी अहमियत नहीं देनी, जो वर्टिकल होता है उसको आप दे रहे होते हो, उसके इस तरफ पूरा जो है यहाँ पे जितने ऑर्डर पेयर होंगे आप पुट करके देख लो। फॉर एग्जाम्पल -2 और हम वाई वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, मतलब 4 ले लेते हैं ना, यहाँ पे कहीं 4 आ रही होगी तो -2, 4 हमें लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लाया कर रहा है, हमारे सॉल्यूशन के अंदर है। तो आप पुट करके देख लो, y की जगह 4, x की जगह -2, -2 + 1, खैर ये तो ऊपर 0 हो गया तो डेफिनेटली 4 इज ग्रेटर देन 0, 4 0 से ग्रेटर होता है। इसी तरह -2 और आप 6 भी ले सकते हो, जब आप यहाँ पे -2 तो चलो वो न्यूमिरेटर को 0 कर रहे हैं ना, आप कोई और वैल्यू ले लो, आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल -3 ले लो, -3 और 4 वो भी कहीं ऊपर लाए कर रहा होगा, पुट करके देख लो, यहाँ पे -3 पुट करो, ऊपर -1, नीचे होगा -4, अगेन 1/4, तो 4 इज ग्रेटर देन 1/4, कहने का मतलब सब इसके अंदर आ रहे होंगे, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आप एब्सोल्यूट की बात करो, अगर आपके पास कोई एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल y इज ग्रेटर देन x + 1 और थोड़ा वर्टिकल शेप भी दे देते हैं, हाँ ये आ जाए, इजी भी कर सकते थे हम, इस तरह भी कर सकते थे, ये भी है। अब नॉर्मली आपके पास ये एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी इस तरह आती थी, ग्रेटर देन 0 हुआ करता था जब एक वेरिएबल के अंदर आती थी, तो उसमें इंटरवल के जरिए से आप रिप्रेजेंट करते थे। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, तो अगेन क्या होगा, आपको पहले ग्राफ करना आना चाहिए। मैं फंक्शन के पोर्शन में बताऊंगा कि एब्सोल्यूट को किस तरह ग्राफ करते हैं आप और वर्टिकल शिफ्ट और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ये सब क्या होती है। तो ग्राफ अगर आप देखो ना, तो नॉर्मली तो रूट जो मॉडुलस एक्स है उसका ग्राफ इस तरह होता है। अब इसके अंदर x के अंदर +1 ऐड किया होगा तो ग्राफ इसका थोड़ा लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया होगा, मतलब ये -1 है ना यहाँ पे शिफ्ट होगा और -2 का मतलब ग्राफ थोड़ा नीचे हो गया होगा, तकरीबन यहाँ पे कर लेते हैं, तो इस टाइप का आपका ग्राफ बन रहा होगा यूं करके, सही है। अगर आप चाहो तो एक्चुअल y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो, अगर 0 पुट कर देंगे तो -1 पे, मतलब ये कंसीडर कर लो तकरीबन -1 है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट है, चाहो तो x इंटरसेप्ट भी निकाल लो, x इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या होगा x + 1 = 2, ये हो जाएगा x + 1 = 2, x + 1 = -2, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे -3, देखने में लग रहा है तकरीबन 1 यहाँ पे है और देखने में लग रहा है -3 यहाँ पे है, तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब ग्रेटर वाला रीजन आपको मालूम करना है, ग्रेटर मतलब जो फंक्शन से ऊपर वाला रीजन है ये। अच्छा अगर आपके पास जैसे यहाँ पे मैंने चीज बताई नहीं आप लोगों को, वही बात है इक्वालिटी नहीं है ना, तो आप डैश बना रहे हो, ओके जैसे ये है ना तो ये डैश डैश होगा क्योंकि ये सॉल्यूशन के अंदर नहीं शामिल, इसी तरह ये भी डैश डैश होगा, यहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं है तो आपने डैश डैश करना है इसको। तो जो भी आप ग्राफ बना रहे हो तो डैश डैश बनाओ और उसके ऊपर वाला रीजन शेड कर दोगे, अगर लेस वाला होता तो नीचे वाला शेड कर देते। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फंक्शंस में इनइक्वालिटीज जो गिवन होती हैं उनको आप सॉल्व कर रहे होते हो। तो बच्चों ग्राफिंग वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में थॉमस कैलकुलस के कुछ एग्जांपल्स हैं उसमें ग्राफिंग के भी आ जाएंगे और जनरल भी हैं थोड़े, वो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।